स्वास्थ्य घोटाले पर प्रदेश सरकार को पत्रकार वार्ता के माध्यम से घेरने के बाद अब कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया से अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें आयोजित कर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए रणनीति बनाएगा। प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया चेयरमैन अभिषेक राणा ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कांग्रेस लोगों पर मरहम लगाने के लिए काम करेगी, न कि बीजेपी की तरह वर्चुअल रैलियां करेगा। अभिषेक राणा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही बीजेपी सरकार को चेताती रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और अब भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि स्वास्थ्य विभाग में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो और आरोपियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने बताया कि इसी के चलते आने वाले समय में कांग्रेस सोशल मीडिया और आईटी सेल के माध्यम से संपर्क साध कर सरकार के खिलाफ लामबंद होगी। और आने वाले समय में मैं आपको बताऊं कि फाइनल स्टेज पे हमारा प्लान है पूरे जिला लेवल से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल तक जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग मीटिंग करने वाले हैं। देखिए, रैली शब्द बहुत गलत है। हमें इस समय लोगों को मरहम लगाने का काम करना है, ना कि उनको अपनी उपलब्धियां गिनानी है। जो कि लॉकडाउन में भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ किया है तो भ्रष्टाचार किया है, लोगों ने अपना रोजगार गवाया है। तो हमें कार्यकर्ताओं तक, पहले तो हम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे जो लगातार लोगों के बीच में जाके मरहम लगाने का काम करें, उन संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस महामारी के समय में लोगों को राहत देने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही सरकार को ये चेताती रही है कि भ्रष्टाचार उनके सरकार के अंदर हो रहा है, और आज भ्रष्टाचार को लेकर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये खड़ा हो रहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है और संगठन जो है वो इस्तीफा दे रहा है। तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और आने वाले समय में आईटी सेल के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ और अपने लोगों के साथ संपर्क साधेगी। प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल में कोरोना की वजह से लौटे हुए युवाओं को रोजगार देने की बात पर अभिषेक राणा ने कहा कि कोरोना दौर से पहले ही बेरोजगारी दर ज्यादा थी और आने वाले समय में बेरोजगार युवाओं का डाटा सरकार के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि बेरोजगार युवाओं का डाटा बेस तैयार करना चाहिए ताकि बेरोजगार युवाओं को फायदा मिल सके। वहीं इस बाबत सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण तक नहीं दिया है। दिन से ही बेरोजगारी को लेकर स्पष्टीकरण कर चुकी है कि कोरोना दौर से पहले भी बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा थी और इस लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी दर और बढ़ चुकी है। रही बात प्रदेश की और देश की, लगातार बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो बंद होती जा रही हैं। आने वाले समय के लिए सरकार तभी युवाओं को बेरोजगार युवा हैं उनको तभी रोजगार दे सकती है अगर उनके पास एक डेटा होगा। तो हम लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि बहुत सारे लोग पहले ही बेरोजगार हैं, उनका डेटा हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, जो इस लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने पासेस बनवाए हैं, लोग हिमाचल प्रदेश की तरफ आए हैं, अपना रोजगार छोड़कर आए हैं, उन लोगों के लिए भी सरकार को एक डेटा बनाना होगा। जब तक हमारे पास एक प्रॉपर आंकड़ा या डेटा नहीं होगा तब तक हमें ये नहीं पता लग सकता है कि हमें कितना पैसा खर्च करना है उस योजनाओं, जो योजना सरकार बेरोजगारों के लिए बनाएगी, तय करेगी उसका मापदंड, उसका क्या पूरा स्ट्रक्चर होगा। इसलिए अभी तक सरकार ने रोड मैप इस चीज को लेकर नहीं बनाया। बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है कि हम रोजगार देंगे, पहले भी सरकार में आने से पहले बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अभी तक हमने देखा कि युवाओं के लिए कोई भी ऐसा रोड मैप या ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जिससे युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके, और आने वाले समय के लिए भी सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।